जम्मू कश्मीर के शोपियां से पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों के 9 परिवार के पलायन पर अब सियासत गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पीएम और गृह मंत्री से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की। फारूक अब्दुल्ला से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, अभी जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में लगातार जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, उसके कारण जो बचे कुचे कश्मीरी पंडित कश्मीर में हैं, उनमें भय उत्पन्न हो गया है। और जो अभी ताजा मामला सामने आया है कि जो शोपियां जिला है दक्षिण कश्मीर में, वहां से 10 से अधिक कश्मीरी पंडित परिवार जो हैं, उन्होंने पलायन कर दिया है और वो अब जम्मू आ गए और वो कह रहे हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे, वहां पर उनके रहने लायक माहौल नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे भाई बहने जो यहाँ कई सालों से रह रही थी, बड़ी आराम से रह रही थी, वो ये महसूस करती हैं कि उनका रहना अब खतरे से खाली नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ इसकी तरफ हमारे गृह मंत्री को देखना चाहिए, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको देखना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जा देनी चाहिए कि वो जो रोज कहते हैं कि हालात ठीक हैं, तो हालात ठीक नहीं है, नहीं तो हालात ठीक हो तो ये क्यों जाते। इसकी तरफ तवज्जा देनी पड़ेगी जरूरी, नहीं तो जो बाकी भी रह गए हैं वो भी भाग जाएंगे, फिर से वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो 90 में थी। मैं समझता हूँ इस पे बहुत, तो मैं वजीर आजम से भी गुजारिश करूंगा कि उन्हें इसकी तरफ तवज्जा देनी चाहिए और बहुत जल्दी मीटिंग बुला के इसका हल निकालना चाहिए।